भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर लगा है एक और गाने का चोरी का इल्ज़ाम। आपको बता दें 200 की ककही गाने को तो यूट्यूब पर अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन इस गाने को अगर लिखा किसी ने है असल में सही में वो है सुमित तिवारी। लेकिन इस गाने में पोस्टर पर अगर किसी का नाम है तो वो है अरुण बिहारी। ऐसा सुमित तिवारी का कहना है कि उन्होंने इस गाने को लिखा है और इस गाने को उन्होंने 2007 में लिखा था मार्च के महीने में, लेकिन उस गाने को अरुण बिहारी ने चोरी कर लिया और उसे पवन सिंह से गवा दिया। और पवन सिंह है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि ये गाना अरुण बिहारी ने नहीं लिखा है। सुमित तिवारी का ये कहना है कि उन्होंने अरुण बिहारी और पवन सिंह को दोनों को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने फ़ोन तो उठाया नहीं, बल्कि उसके बदले इन दोनों ने उन्हें धमकी भरे कॉल ज़रूर करवाए। जब एक रिपोर्टर ने पवन सिंह के बारे में सुमित को कुछ कहने को कहा तब उन्होंने कहा कि वो पावर स्टार नहीं पॉर्न स्टार हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए पॉर्न स्टार करके, तो पहली ही फ़ोटो पावर स्टार पवन सिंह की आएगी, और गूगल भी कर लीजिए तो भी यही आएगा। पवन सिंह की इज्जत कितनी गूगल और यूट्यूब करते हैं ये इतना ही टाइप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सुमित ने कहा है कि उन्होंने 57 यानी कि 57 FIR दर्ज की है, जैसे कि साइबर बुलिंग, जिसमें उनके ID के साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी कि जो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही उन्हें फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियां की गई, गाली गलौज किए गए, अब्यूज़ किए गए, और साथ ही उन्होंने एक और FIR दर्ज करवाई है कि उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह का एक ही हफ्ते में ये दूसरा मामला है। इससे पहले उन्होंने एक यूट्यूबर को इस तरह की गाली दी थी और अब एक गीतकार को। साथ ही साथ पवन सिंह के लिए सुमित तिवारी ने एक नसीहत दे दी। उन्होंने ये कहा कि 5 से 6 साल तक इन्हें भजन गाना चाहिए और फिर इन्हें गंगा स्नान करना चाहिए ताकि इनके कुछ पाप कट सके। यूँ कह ले कि इस तरह से पवन सिंह के बारे में कहने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं जुटाई थी जितना कुछ कहने की हिम्मत सुमित तिवारी ने जुटाई है। अब देखना ये है कि सुमित तिवारी आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या जितने भी आरोप उन्होंने पवन सिंह पर लगाए हैं वो सब सच हैं। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।